सोलन में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोक मित्र केंद्र चला रहे संचालकों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बिल विभाग द्वारा काटे जाते हैं वे उन्हें लोक मित्र के संचालक ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं, तो वहां बिजली का बिल ज्यादा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वे बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोक मित्र केंद्र संचालक जिन लोगों का बिल ऑनलाइन जमा करवाते हैं उन्हें फोन पर वास्तविकता के आधार पर अवगत करवाते हैं, लेकिन जिन ग्राहकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका बिल कैसे जमा करवाएंगे ये परेशानी उनके समक्ष आ रही है। सोलन में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोक मित्र केंद्र चला रहे संचालकों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बिल विभाग द्वारा काटे गए हैं जब उन्हें लोक मित्र के संचालक ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं तो वहां बिजली का बिल ज्यादा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वे बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोक मित्र केंद्र संचालक जिन लोगों का बिल ऑनलाइन जमा करवाते हैं उन्हें फोन पर वास्तविकता से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन जिन ग्राहकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका बिल कैसे जमा करवाएंगे ये परेशानी उनके समक्ष आ रही है। अगस्त में रहते बिल जमा नहीं करवाया गया तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है जिसके चलते लोक मित्र संचालक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोक मित्र संचालक ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वे बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं और जब वे उपभोक्ताओं को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तो वे उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया इस बारे में अधिकारियों से शिकायत की गई थी तो उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि गलती से जो बिल उपभोक्ताओं को दिया गया था वे बेहद कम था। उन्होंने कहा कि वे लगातार उपभोक्ताओं से संपर्क साध रहे हैं, कुछ ने बड़े हुए पैसे दे दिए हैं लेकिन कुछ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर उनके बिल जमा नहीं होते तो उपभोक्ताओं को जुर्माना भरना पड़ेगा जिसका प्रभाव उनके व्यवसाय पर भी पड़ सकता है। मैं धर्मधर शर्मा लोक मित्र केंद्र सोलन दीमाल सोलन से बोलूं, तो मेरे पास जो बिजली के बिल आ रहे हैं ये अपने डिवीजन नंबर 13 के, तो ये डिवीजन नंबर 13 के बिल अमाउंट कुछ आ रहा है और इसमें जो हमारे को कंप्यूटर शो कर रहा है इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे एक का बिल है 1126 रुपये तो मेरे को कंप्यूटर शो कर रहा है 1324 रुपये। अब पार्टी का अगर मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो बिल लेना मेरे को अपनी जेब से तो दे नहीं पाऊँगा, इसमें दिक्कत आ रही है और इनको चाहिए कि कम से कम अपने पूरे प्रॉपर बिल दे ढंग से। और सिर्फ ये डिवीजन नंबर 13 की दिक्कत आ रही है, बाकियों के बिल ठीक आ रहे हैं। अब इसी महीने हुआ, पिछले महीने से ठीक था बाकी। तो अगर ये बिल जमा नहीं होगा, अगर बात नहीं हो पाती तो क्या होगा? तो ये फिर अब नेक्स्ट बिल आ गया तो हम अपनी जेब से नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बिल अगर छोड़ा 10-15 रुपए का हो तब तो हम दे दें, इसमें तो 200-300-400 रुपए ज़्यादा आ रहे हैं बिल नहीं, तो इसका तो मुश्किल हो जाएगा बिल। पेनल्टी लगेगी नेक्स्ट मंथ, फिर पेनल्टी लग के आएगा बिल। तो लोग आपको बोलेंगे नहीं जो बिल्कुल आएंगे? वो तो हमें पूछ ही रहे हैं, कहते आप ज़्यादा क्यों चार्ज कर रही हैं, तो हम तो उनको जवाब देने को मुश्किल हो रहा है हमें जवाब देना कि ये पता नहीं एक मिस्टेक तो है बिजली बोर्ड की। हम जवाब तलब हमारे से करी जा रहे हैं, कहता जी ये 200 जब मेरा बिल 47 रुपये आया हुआ और ये 244 रुपये आप कैसे ले रहे हो, जबकि कंप्यूटर शो कर रहा है 244 रुपये। अब वो हम तो कुछ कर नहीं पाए इसकी, क्योंकि बिल तो पीछे से उन्होंने जो जनरेट किया वो बिल कुछ लिया है और जनरेट कुछ हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।